hello students basic accounting terms part 1 by your account teacher don't stop until you are proud first term is business transaction business transaction hai an economic activity that affects financial position of the business and can be measured in terms of money यानी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अफेक्ट होती है और जिसके चेंजेस को हम मनी की टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं उसको हम बिजनेस ट्रांजेक्शन कहेंगे फॉर एग्जांपल आप गुड्स को परचेज करते हो सेल करते हो चाहे कैश में करो या क्रेडिट में तो वो क्या है एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है इम्प्लॉयज़ को जो सैलरी पे करी वो भी एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है आपने जो बैंक से मनी बोरो करा था उस पर जो इंटरेस्ट पे करा वो भी एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम एज ए ट्रांजेक्शन कंसिडर नहीं करते फॉर एग्जाम्पल आप अपने फ्रेंड के लिए गिफ्ट को परचेज करते हो तो वो एक बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है वो एक सोशल इंगेजमेंट है जो ट्रांजेक्शन होती हैं उनको हम दो पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं फर्स्ट इज़ एक्सटर्नल एंड सेकेंड इज़ इंटरनल एक्सटर्नल कब कहेंगे जब दो इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटिटीज आपस में ट्रांजैक्शंस करती हैं तो कहेंगे कि जो एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन हैं वो इन हुई है इंटरनल कब कहेंगे जब एक ही बिजनेस एंटिटी के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं उनको हम इंटरनल बिजनेस ट्रांजेक्शन कहेंगे फॉर एग्जाम्पल उस बिज़नेस की जो फिक्स्ड एसेट है उन पर डेप्रीशन को चार्ज करना और इवेंट क्या होते हैं इवेंट जो ट्रांजेक्शन हमने करी है उनका रिजल्ट क्या हुआ उसको हम कहेंगे इवेंट फॉर एग्जांपल आपने स्टार्टिंग में गुड्स परचेज करे वन लाख रुपीज़ की और आपने पूरा साल उनको क्या करा सेल करा और लास्ट में आपके पास ट्वेंटी थाउजेंड के जो गुड्स हैं वो बच गए जो ट्वेंटी थाउजेंड के गुड्स क्लोजिंग स्टॉक के रूप में आपके पास बचे वो क्या है इवेंट हैं सेकेंड टर्म क्या है ट्रेड ट्रेड क्या होता है परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड ट्रेड यानी कि आपने कोई भी गुड्स है सर्विस है उसको परचेज करा है देन सेल करा है किस परपस से प्रॉफिट को अर्न करने के लिए उसको हम ट्रेड कहेंगे अगर आप कोई भी गुड्स खरीदते हो और उसका परपज़ क्या है चैरिटेबल परपज़ है तब उसको हम ट्रेड नहीं कहेंगे प्रोफेशन एनी वर्क डन इन ऑर्डर टू अर्न बिजनेस बिजनेसली रिक्वायर्स प्रायर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इज़ कॉल्ड अ प्रोफेशन कोई भी वर्क जॉब करते हो प्रॉफिट को अर्न करने के लिए और उस वर्क को करने के लिए आपको जो प्रायर ट्रेनिंग है एजुकेशन है उसकी रिक्वायरमेंट है जो स्पेशल नॉलेज है उसकी रिक्वायरमेंट होती है तब कहेंगे कि हम एक प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स लॉयर्स इंजीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट ये सारे क्या हैं प्रोफेशन हैं और इनके जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं वो भी होते हैं प्रोपराइटर प्रोपराइटर कौन होता है द पर्सन हु इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस वो पर्सन जो कि बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है पैसा लगाता है उसको हम प्रोपराइटर कहेंगे और जो प्रोपराइटर्स है वो सारे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को भी बियर करता है और प्रोपराइटर को हम ऑनर भी कह सकते हैं बिजनेस का कि जो प्रोपराइटर है उसका क्या नेचर होगा वो डिपेंड करेगा कि जो बिजनेस है वो किस टाइप का है किस नेचर का है अगर आप सोल ट्रेड के बिजनेस में एंगेज हो तो जो सोल ट्रेडर है वो क्या हो जाएगा प्रोपराइटर पार्टनरशिप फर्म के, के केस में जो पार्टनर्स हैं वो क्या हो जाएंगे प्रोपराइटर और कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स हैं उनको हम क्या कहेंगे प्रोपराइटर्स कैपिटल द अमाउंट ऑफ कैश गुड्स और एसेट विच इज इनिशली इन्वेस्टेड बाय प्रोपराइटर वाइल कमेंसिंग बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल जो भी अमाउंट है चाहे वो कैश की फॉर्म में हो गुड्स की फॉर्म में हो या फिर एसेट्स की फॉर्म में हो जिनको आपने लगाया है शुरुआत में बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम कमेंसिंग के टाइम पर तो उसको हम कैपिटल कहेंगे और ये इन्वेस्टमेंट करी है किस परपज से प्रॉफिट को अर्न करने के लिए जब आपने स्टार्टिंग में इन कैश को गुड्स को असेट को लगाया है तब तो हमने इनको कैपिटल कहा लेकिन जैसे ही आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया ग्रो करने लगा उसके बाद अगर आप कोई भी एसेट में पैसा इन्वेस्ट करते हो कैश लेके आते हो गुड्स लेके आते हो तो उनको हम उस टाइम पर कैपिटल नहीं कहेंगे कैपिटल का फॉर्मूला क्या है कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस में लाइबिलिटीज जब हम एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कौन सा पोर्शन बचेगा कैपिटल ऑल द रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस हैविंग इकोनॉमिक वैल्यू आर कॉल्ड एसेट बिजनेस के वो सभी रिसोर्सेस जिनकी कुछ न कुछ इकोनॉमिक वैल्यू है उनको हम एसेट्स कहेंगे और जो रिसोर्सिस होते हैं वो बिज़नेस को हेल्प करते हैं प्रॉफिट को अर्न करने के लिए और इनकी फ्यूचर वैल्यू भी होती है किसी बिजनेस को रन करने के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो बिजनेसमैन के पोजीशन में होने चाहिए यानी कि जो बिजनेसमैन है वो उन एसेट्स का ओनर होना चाहिए एसेट्स के टू टाइप्स हैं फर्स्ट इज़ करंट एसेट एंड सेकंड इज़ नॉन करंट एसेट्स करंट एसेट्स आर दोजेट्स विच आर हेल्ड फॉर शॉर्ट पीरियड एंड कैन बी कन्वर्टेड इन टू कैश विद इन वन ईयर दो करेंट असेट्स वो सारी असेट होती हैं जिनको हमने शॉर्ट पीरियड के लिए होल्ड कर रखा है और जिनको एक साल के अंदर अंदर हम कैश में कन्वर्ट कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल डेटर्स स्टॉक ट्रेड पेपल्स एक्सेट्रा लेकिन जो प्रीपेड एक्सपेंसिज है एंड क्लोजिंग स्टॉक है उनको हम करंट एसेट में इंक्लूड नहीं करते नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर होल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड जिनको हमने लंबे टाइम के लिए क्या कर रखा है होल्ड कर रखा है उन सभी एसेट्स को हम नॉन करंट एसेट्स कहेंगे फॉर एग्जाम्पल लैंड बिल्डिंग मशीनरी प्लांट एसेट्रा अब नॉन करंट एसेट्स को भी हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं टेंजिबल एसेट्स एंड इन टेंजिबल एसेट्स टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं टेंजिबल एसेट्स और दो विच फिजिकल एक्जिस्टेंस जिनकी कोई ना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है जिनको हम देख सकते हैं छू सकते हैं उनको हम टेंजिबल एसेट्स कहेंगे फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर बिल्डिंग मशीनरी प्लांट एसेट्रा इन टेंजिबल एसेट्स इनटेंजिबल एसेट्स वो सारी एसेट होती हैं जिनकी कोई भी फिजिकल एग्जिटेंस नहीं है जिनको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं सिर्फ जिनको महसूस किया जा सकता है कि हाँ वो ऑपरेट कर रही है और हमारे बिजनेस की ग्रोथ में हेल्प कर रही हैं फॉर एग्ज़ाम्पल गुडविल गुडविल क्या होती है किसी बिजनेस की इमेज पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट राइट एसेट्रा ये सभी क्या हैं इन एसेट्स हैं इसके अलावा लिक्विड एसेट लिक्विड एसेट्स कौन सी होती हैं जिनको जो या तो कैश की फॉर्म में ही होती हैं और जिनको हम क्विकली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर एक्जाम्पल बिल रिसवेबल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डेटर्स इक्व इनकम और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है क्लोजिंग स्टॉक है उनको भी हम लिक्विड एसेट में इंक्लूड करते हैं फिकटीसीस एसेट और नॉमिनल एसेट जो कि नाम मात्र की असेट होती है काल्पनिक होती है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती बट हम उनको मान लेते हैं कि ये भी क्या है एसेट है और जिनसे हमें कोई भी बेनिफिट डिराइव नहीं होता फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसिस आपने इस साल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसिस करे वन लाख रुपीज़ के और इस साल के प्रॉफिट में से आपने टेन थाउजेंड रुपीज हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में से चार्ज कर लिए अब बच्चे कितने नाइनटी थाउजेंड जो नाइनटी थाउजेंड है उनको हम आने वाले ईयर्स में से ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में से चार्ज करेंगे लेकिन अभी के लिए क्या मान लेते हैं हम उनको एसेट में एसेट मान लेते हैं और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस क्या होगी हमारी एसेट लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज़ आर ऑब्लीगेस और डेट्स डेट एन एंटरप्राइज हैज़ टू पे आफ्टर सम टाइम इन द फ्यूचर लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं ओब्लीस होती हैं या फिर डेट्स होते हैं जिनको एंटरप्राइज को पे करना होता है थर्ड पार्टी को कुछ टाइम पीरियड के बाद लाइबिलिटीज़ को भी हम क्लासीफाई करते हैं करेंट लाइबलिटीज़ एंड नॉन करेंट लाइबलिटीज़ करंट जिनकी पेमेंट हमें शॉर्ट पीरियड में करनी होती है विद इन अ वन ईयर यानी कि जिनको हम सिर्फ एक साल के अंदर अंदर पे करते हैं उनको हम करंट लाइबिलिटीज़ कहेंगे एग्जांपल क्रेडिटर्स हो गए बिल पेबल बैंक ओवरड्राफ्ट ड्राफ्ट एसेट्रा नॉन करंट लाइबिलिटीज वो सारी ओब्लिगेस होती हैं और डेट्स होते हैं जिनको हम पे करते हैं एक साल के बाद जिनका टाइम पीरियड क्या होता है लंबा होता है लॉन्ग होता है एग्जाम्पल बैंक लोन डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए रिसीट्स रिसीड्स को हमने करा है टू पार्ट्स में रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट्स रिवेन्यू रिसीट्स कौन सी होती हैं रिवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच आर अकर्ड बाय नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस लाइक मनी रिसीव्ड बाय सेल ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट रिवेन्यू रिसीट्स वो सारी रिसीट्स होती हैं जो कि बिज़नेस के नॉर्मल ऑपरेशन यानी कि जो तो डेली की एक्टिविटीज़ हैं उनसे हमें मिलती हैं जैसे बिजनेस प्रोडक्ट को सेल करके जो भी पैसा रिसीव हुआ उसको कहेंगे हमने रेवेन्यू रिसीट करी है आपने जो सर्विस रेंडर करी उस पर जो कमीशन मिला वो भी क्या है रेवेन्यू रिसीट है आपने कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उस इन्वेस्टमेंट पर जो भी इंटरेस्ट मिला है या डिविडेंड मिला है रिटर्न्स की फॉर्म में वो भी क्या है रेवेन्यू रिसीट है कैपिटल रिसीट्स कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच आर अकर्ड बाय अदर देन बिजनेस ऑपरेशन यानी कि वो सारे रिसीट जो कि हमारे नॉर्मल बिजनेस से नहीं अराइज हुई बल्कि हमें उसके अलावा हुई है जैसे मनी रिसीव्ड बाय सेलो फिक्स्ड एसेट आपने अपने फिक्स्ड एसेट्स को बेचा और उससे जो भी पैसा रिसीव रेसे हुआ वो क्या है कैपिटल रिसीट है आपकी प्रोप्राइटर जो प्रोप्राइटर है उसने जो कैपिटल इन्वेस्ट करी वो भी क्या है कैपिटल रिसीट है लोन की फॉर्म में जो पैसा मिला वो भी क्या है कैपिटल रिसीट एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस क्या होते हैं कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस फॉर अर्निंग रेवेन्यू आर नोन एज एक्सपेंसेस जो भी बिजनेस के द्वारा कॉस्ट इनकर्ड करी गई है रेवेन्यू को अर्न करने के लिए उनको हम एक्सपेंसेस कहेंगे जैसे रेंट पे किया वेजेस सैलरीज इंट्रस्ट एक्सेट्रा ये सारे क्या हैं एक्सपेंसेस हैं एक्सपेंडिचर बहुत सारे बच्चों कन्फ्यूज़न होती है एक्सपेंसेस में एंड एक्सपेंडिचर में देखो एक्सपेंसेस तो क्या था वो सारे खर्चे थे वो सारी कॉस्ट थी जो कि बिज़नेस ने इनकर्ड करी है रेवेन्यू को अर्न करने के लिए लेकिन जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग अलाइबिलिटी फॉर अक्वायरिंग एसेट्स गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर जो भी एक बिजनेस ने किसी असेट को अक्वायर करने के लिए गुड्स को परचेज करने के लिए सर्विस को परचेज़ करने के लिए जितना भी जो भी मनी स्पेंड करी है उसको कहेंगे कि हमने एक्सपेंडिचर किया है जो एक्सपेंडिचर है उसको भी क्लासीफाई करा गया है थ्री पार्ट्स में फर्स्ट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे रेवेन्यू रिसीट थी सेम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसका पॉजिट हो जाएगा इट इज़ द अमाउंट स्पेंट टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर यूज्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड इज़ कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखो रेवेन्यू रिसीट क्या थी कि जो हमने गुड्स को सर्विस को सेल करा उससे जो पैसा मिला वो क्या था रेवेन्यू रिसीट था अब गुड्स को और सर्विस को हमें परचेज करना है और जो हम खर्चा करेंगे अमाउंट स्पेंड करेंगे उसको कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे रेंट पे किया इंटरेस्ट पे किया ये सब क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर इफ़ बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज रिसीवड मोर दैन वन ईयर अगर जो भी हम खर्चा कर रहे हैं एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसको करने से जो हमें बेनिफिट है वो एक साल से ज़्यादा के लिए रिसीव होगा तो कहेंगे कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादातर उससे क्या होता है बिज़नेस की एक्सपेंशन होती है ग्रोथ होती है फॉर एग्जाम्पल हमने मशीनरी को परचेज़ किया तो ये क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर जितनी भी फिक्स्ड असेट को परचेज करने पे आप अमाउंट स्पेंड करोगे उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे आर द सर्टेन एक्सपेंडिचर विच आर रेवेन्यू इन नेचर बट बेनिफिट्स ऑफ विच इज डिराइव ओवर नंबर ऑफ ईयर्स देखो कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो नेचर में तो लगते हैं कि वो रेवेन्यू है लेकिन उनका जो बेनिफिट होता है वो हमें लंबे टाइम तक मिलता रहता है फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ये क्या है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है आज के लेक्चर में बस इतना ही आगे की जो टर्म्स है वो हम एक पार्ट में और कवर करेंगे आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय